हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील मेल्डा। आज हम बात कर रहे हैं डायमंड टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, जल के अणुओं में अधिकतम संख्या कितनी है? तो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ए मैक्सिमम। तो अपने पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सपोज करो एन अपॉन एन ए से कैलकुलेट करना है अपने पास। मोल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, आपको पता है इसके अंदर मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मोल इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन मोलर मास। यहां से अपने पास हमको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? जितने ज्यादा मोल होंगे, नंबर ऑफ एटम क्या होंगे? उतने ही ज्यादा होंगे, यानी 18 मोल के अंदर मैक्सिमम मॉलिक्यूल होंगे। तो थक ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, अज्यूम कंप्लीट आयनाइजेशन सेम मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी रिक्वायर्ड टू लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिक कैमेनोफोर। इसके अंदर ये बोला गया है आपको कि कैमेनोफोर का आयनीकरण करने में हमारे पास सबसे कम अमाउंट की जरूरत कहाँ होगी। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको पता है कि कैमेनोफोर एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2+ में। क्लियर, एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं। और अगर इसका वर्क क्या है, ये यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कैमेनोफोर किस किस का ऑक्सीडाइज ऑक्सीडेशन करता है? तो देखिए Fe2+ है, उसको कन्वर्ट करता है ये Fe3+ में। ये NO2- नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है अपने पास नाइट्रेट में। SO3 2- सल्फाइट को कन्वर्ट करता है सल्फेट में। ऑक्सलेट C2O4 2- को कन्वर्ट करता है ये CO2 में। क्लियर, इसी तरह S2- को कन्वर्ट करेगा ये सल्फर में। तो इसके जनरली अकॉर्डिंग टू NCERT इसके अपने पास इसका कन्वर्ट कर सकता है, ये ऑक्सीडेशन करता है इन कंपाउंड्स का। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सबसे कम कहां जरूरत पड़ेगी, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में देखिए अपने पास FeSO3 है, यानी Fe2+ SO3 2-, यानी इन दोनों को ये रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ Fe2+ और ऑक्सलेट दोनों है, इनको भी ये रिड्यूस कंप्लीट करेगा। Fe2+ और NO2-, इसमें भी इन दोनों मॉलिक्यूल 2 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको भी रिड्यूस करेगा। फोर्थ ऑप्शन में अपने पास है FeSO4, तो FeSO4 रिड्यूस, अगर इसको ऑक्सीडाइज होगा किसमें कन्वर्ट होगा, Fe2+ SO4 2-, तो Fe2+ को तो ये ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, Fe3+ में, जबकि SO4 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। दैट मींस हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय बॉयल लॉ व्हिच शो ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ द गैस। अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ की अगर बात करें हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ क्या कहता है, द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारे पास फर्स्ट ग्राफ हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ग्राफ की बात करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमारे पास वैसे इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड और फोर्थ की। फोर्थ के अंदर देखा होगा आपने अपने पास यहाँ 600 400, तो अंडर द कर्व की अगर बात करें तो जो PV होता है उसका अंडर द कर्व मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका है, 600 400 और 200, उस हिसाब से अगर हम काउंट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड ऑप्शन इसके अंदर उल्टा है, तो ये हमारे पास गलत। तो दैट थर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, अभिक्रिया में निम्नलिखित में कौन सी दशा अधिकतम उत्पाद का निर्माण के लिए उत्तरदायी है, यानी मैक्सिमम प्रोडक्ट कैसे बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। आपको देखिए बेटा, इसमें रिएक्शन आपको दे रखी है, उसमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, लो टेम्परेचर। प्लस यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल की बात करें तो अगर देखें तो हमारे पास हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इसके लिए ये फेवरेबल कंडीशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 0.10 पिरिडीन के जलीय विलयन के लिए KB की वैल्यू दे रखी है, और पिरिडीनियम आयन बनाने के लिए पिरिडीन की प्रतिशतता क्या होगी, यानी द परसेंटेज ऑफ द पिरिडीन दैट फॉर्म पिरिडीनियम आयन इन ए 0.10 एक्वस पिरिडीन सॉल्यूशन
केबी की वैल्यू आपको दे रखी है। तो सबसे पहले बेटा देखिए पिरिडीन क्या है अपने पास, पिरिडीन होता क्या है, C5H5N का अगर हाइड्रोलाइसिस करें H2O के साथ तो हमारे पास बनता है C5H5NH+ और OH-। ये हमारे पास रिएक्शन होती है, ये पिरिडीनियम आयन है। इसके लिए देखो केबी की वैल्यू दे रखी है, तो आपको पता है कि केबी की वैल्यू अपने पास है 1.7 × 10⁻¹⁹। ये एक तो वैल्यू दे रखी है केबी, केबी की वैल्यू आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है अल्फा। अल्फा के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो के इज इक्वल टू होता है सी अल्फा स्क्वायर। हमारे पास ये कंप्लीट है, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास 1.7 × 10⁻¹⁹ है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना यहाँ बेटा, आपके पास C अपने पास दे रखा है 0.10 और अल्फा हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1.7 × 10⁻¹⁹ अपॉन 0.10। इसका रूट कर दीजिए तो अल्फा इज इक्वल टू रूट, ये अपने पास 10⁻¹, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.7 × 10⁻¹⁹ अपॉन 10⁻¹⁹ लिख सकते हैं। ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.7 × 10⁻¹⁸। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अल्फा अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास 1.3 अप्रोक्स, अगर इसका रूट लेते हैं तो 10⁻¹⁴ हो गया। अब ये हमारे पास अल्फा है, अपने पास क्या निकालना है बेटा, इसके अंदर पिरिडीनियम का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, लगभग इसको सॉल्व करें हमारे पास तो लगभग आ जाएगा 0.013% में। ओके, इस अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच 35.5 किलो जूल, डेल्टा एस 83.6 जूल पर केल्विन पर मोल है, अभिक्रिया के लिए किस तापमान पर स्वतः परिवर्तित होगी। अब देखो इसके अंदर मेन चीज क्या है, गिवन रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच 35.5 किलो जूल पर मोल दे रखा है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज दे रखा है आपके पास, रिएक्शन इज ए स्पॉन्टेनियस। सबसे पहली बात कंडीशन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए मेन कंडीशन क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी क्या होगी, हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए हमारे पास देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एच माइनस टी डेल एस। यहां पे टेम्परेचर के लिए बात कर रहा है तो अगर मैं डेल्टा जी को जीरो देखे, हम जीरो से ऊपर देखेंगे, माइनस टी डेल एस, यहां से टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एच अपॉन डेल एस। डेल एच की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 35.5 किलो जूल पर मोल अपॉन अपने पास 83.6, ये देखो यहां पे जूल दे रखा है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 10⁻³ से करेंगे जो है किलो जूल पर मोल। अगर इसको सोल्व करें हमारे पास तो लगभग अपने पास 4 point something आएगा, तो इसे प्रोक्स हम बात करते थे 425 केल्विन के अकॉर्डिंग देखे, तो यानी इस टेम्परेचर पे क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि भैया रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, यानी टेम्परेचर ग्रेटर देन 425। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 कहता है बेंजीन एंड टोलून के अपने पास क्या दे रखा है, मोलर सेम इक्विमोलर दे रखा है 1:1 का। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझना, आपने देखिए पढ़ना है अपने को, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर द आइडियल 1:1 मोलर मिक्सर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन इज करेक्ट। अज्यूम कर रखा है इसके लिए आपको यहाँ बेंजीन और इसका वेपर प्रेशर। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, पी टोटल कैलकुलेट करना है। पी टोटल आपके पास बेंजीन एक्स बेंजीन प्लस पी टोलुइन एक्स टोलुइन, ये कैलकुलेट करना है। यहां से पीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पीएस की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 6.4। इसका अगर देखो पीबी नॉट बेंजीन का क्या है 12.8 और इसका ये है, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा अपने पास 1/2 और ये भी अपने पास 1/2 है, ये अपने पास 3.84 है, इसको वैल्यू पुट करो तो 6.4 प्लस
1.925 आएगा, जिसको हम सोल्व करें तो लगभग आ जाता है 8.325। ये तो हमारे पास टोटल प्रेशर हो गया। अब हमारे पास वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वो क्या है, 6.4 यानी प्योर बेंजीन का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमारे पास है 8.3, इसको सोल्व करोगे तो लगभग 0.77 आ गया। इसी तरह क्या करेंगे, वेपर प्रेशर में टोलुइन का मोल फ्रैक्शन वो क्या है हमारे पास, लगभग 3.85 किलो पास्कल अपॉन 8.3, इसको सोल्व करो तो लगभग आपके पास आएगा 0.23। तो हमारे पास वाई बेंजीन वो तो आ रहा है 0.77 और वाई टोलुइन वो आ रहा है 0.23। ये हमारे पास इस कंक्लूजन से ही हम अपने स्टेटमेंट को देखें, क्या कहेंगे, द वेपर विल बी कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ टोलुइन। भैया हायर परसेंटेज कहाँ है, टोलुइन का तो कम है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत। द वेपर विल बी कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ द बेंजीन एंड टोलुइन, ना जी अलग अलग है, ये 0.77 है जबकि 0.23 है। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन गिवन द मैक प्रिडिक्शन, ये भी हमारे पास नहीं दे सकते। द वेपर प्रेशर कंटेन द हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, हाँ ये करेक्ट है हमारे पास, क्योंकि बेंजीन इसमें सबसे हायर है। तो करना क्या है बेटा आपको, पहले पी टोटल निकाल कैलकुलेट करना है, पी टोटल के बाद वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन निकालने। वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन क्या निकालेंगे, प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस अपॉन प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन टोटल प्रेशर, उससे हमको कैलकुलेट करना है। ये रहा, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा अधिशोषण से संबंधित है, विच वन द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज एसोसिएट विद द एडजॉर्प्शन। आपको पता है कि जो एडजॉर्प्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अपने पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बेटा, डेंसिटी डिक्रीज इन केस ऑफ क्रिस्टल विद शॉर्ट की डिफेक्ट, करेक्ट है अपने पास, क्योंकि शॉर्ट की इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जनरली वन कैटाइन वन एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। वन क्रिस्टल लैटिस से अगर एनायन मिक्स होंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। NaCl इज ए इंसुलेटर, सिलिकॉन इज ए सेमी कंडक्टर, सिल्वर इज ए कंडक्टर, क्वार्ट्ज इज ए पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये करेक्ट, ये भी हमारा है, क्योंकि NaCl इंसुलेटर होता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये अपने पास स्टेटमेंट सही है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवरेबल इन दोज आयन कंपाउंड इन विच साइज ऑफ कैटाइन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट इक्वल, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो अपने पास फ्रैंकल डिफेक्ट है वो क्या कहता है कि वन कैटाइन कहाँ जाता है, उसके इंटरस्टेलियल पार्ट में। अगर इंटरस्टेल, अगर कैटाइन की साइज और एनायन की साइज इक्वल होगी तो उसके इंटरस्टेलियल पार्ट में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर पाएगा। यानी कंडीशन क्या होती है फ्रैंकल के लिए कि कैटाइन की साइज क्या है, कैटाइन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होगा तो उसके इंटरस्टेलियल पार्ट में इजी गोइंग जा पाएगा। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत है और इसमें ये एक तरह से क्या है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दिख ही रहा है आपको, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट है, प्रथम कोटि द्वितीय अभिक्रिया के लिए सही विभिन्नता क्या है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा अपना, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज, ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट कैटलाइज। देखो रिएक्शन कोई भी हो हम उसको कैटलाइज तो कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, कोई भी हो। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, ये करेक्ट पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया अपने पास। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। द रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्शन, भैया ये तो करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो जरूर, रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जबकि फर्स्ट और सेकेंड करती है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ रॉन्ग दे रहा है। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है, 0.09693 अपॉन के, यानी वहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आती है। तो हमारे पास क्या हो गया, 0.693 जो होता है उसमें कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, तो टी हाफ नहीं करता, तो ये सही है। द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डज डिपेंड ऑन ए नॉट, हाँ ये करता है डिपेंड, तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन,
ये करता है भैया, हमें बात ही की थी, क्योंकि रेट इज इक्वल टू क्या होती है, रेट इज इक्वल टू के इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर वन रहेगा, सेकेंड ऑर्डर के टू रहेगा, तो ये भी अपने पास गलत, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है सिल्वर का 108 है, कितना भार विस्थापित होगा उतनी विद्युत से जो 5600 mL O2 के एसटीपी पर विस्थापित करता है। द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय ए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 mL ऑफ द O2 एट एसटीपी। एसटीपी पे देखिए तो O2 होता है, O2 के अगर मिली मोल कैलकुलेट करें, हमारे पास इक्विवेलेंट मोल की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 5600 upon 2240 और इसका n फैक्टर कितना होता है 4। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लगभग 4 से कंट्री करें तो 5600 यानी 1 इक्विवेलेंट आया, तो 1 इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2 डिस्प्लेस 1 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर का हमारे पास क्या होता है 108 होता है, जबकि इसका 1 इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया तो 108 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न क्वांटम संख्या के लिए अधिकतम अभिनिर्धारित कक्षकों की संख्या क्या होगी, विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद ए फॉलोइंग क्वांटम नंबर, यानी क्वांटम नंबर इसके लिए दे रखा है कि वन वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट वन ऑर्बिटल, यानी m की जो वैल्यू दे रखी है वो एक ही ऑर्बिटल को शो कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब n 3 हो गया अपने पास, l की वैल्यू 1 है इसका मतलब p हो गया, m की वैल्यू 0 है मतलब z हो गया, तो हमारे पास 1 ऑर्बिटल हो गया। क्लियर, 3p ऑर्बिटल के लिए पूछ रहा है ये, क्योंकि 3p के अंदर -1 0 और -1 होता है, ये 3p देखा होगा आपने, देखिए 0 -1 और +1 ये हमारे पास इसके लिए पूछ रहा है ये 3pz, तो हमारे पास 1 आंसर हो गया अपना फर्स्ट। सेकेंड दादा सूची वन और सेकेंड सूची सेकेंड से मिलाइए, मिक्स कीजिए, तो क्या करेंगे, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। भैया देखिए n इजिकल टू 2 है और l इजिकल टू 1 है, तो ये क्या हो गया अपने पास 2p, n इजिकल टू 3 है तो क्लास कौन सी हो गई 3, l इजिकल टू 2 है तो d, n इजिकल टू 3 l की वैल्यू अगर 1 है तो ये s, और n इजिकल टू 2 है और ये हो गया अपने पास 2s। अब देख लिए कौन सा है बेटा, अपने पास 2p हो गया थर्ड, 3d अपने पास हो गया फोर, 3s ये हो गया सेकंड, और 2s 1 हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए भैया, थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट सेकंड ऑप्शन कैलकुलेट करना है सीधा। फिर कुछ था स्टेटमेंट AR के क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्या है, फिर ये कह रहा है मास ऑफ वन कॉपर एटम इज 1.0552×10⁻¹, यानी ये कह रहा है कि मास दे रखा है अपने पास, देखिए एटम दे रखे हैं, तो n/Na इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। अब यहां पूछ रहा है कि मास ऑफ वन एटम, वन एटम का इतना दे रखा है, तो नंबर ऑफ एटम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, मास W कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mm अपने पास कॉपर का कितना होता है 63.5 अपॉन Na अपने पास है 6.02×10⁻², अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो लगभग अपने पास ये मान के चलिए ये आएगा 1.5×10⁻², क्योंकि यहाँ पे ये अगर ऊपर जाएगा 23 होगा, इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 1.15 के आसपास आएगा, तो इसको सोल्व कर लिए तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। सेकेंड कह रहा है कि मास ऑफ वन कॉपर एटम 63 amu जो इक्वल किसके होता है, इसके इक्वल होता है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 हो गया, करेक्ट है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 AR के क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या कहता है कि एक अति अल्प विलेय लवण के लिए आयनिक उत्पाद KIP तथा KSP का गणितीय रूप समान होता है, ठीक है, इंग्लिश में देखिए कहता है फॉर पर्टिकुलर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन ए वाटर द मैथमेटिकली फॉर्मूला ऑफ आयनिक प्रोडक्ट एंड सेम एज ए
दैट ऑफ केएसपी, यानी ये करेक्ट ऑप्शन है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। बट अगर कहते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट कैन बी यूज सेचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली व्हाइल केएसपी कैन यूज फॉर द ऑल टाइप, नहीं ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन के यूज किया जाता है, तो हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सही है, सेकेंड हो गया गलत, तो हमारे पास क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, NaCl को पानी में मिलाने पर हिमांक में अनुमल प्रेक्षित किया गया। आपको पता होगा कोई सॉल्वेंट लेते हैं, अगर उस सॉल्वेंट के अंदर अगर हम सॉल्यूट मिक्स करेंगे, तो जैसे सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो आपको पता होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होगा, जबकि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन NaCl एड इन वाटर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, ये देखा गया करेक्ट है, द लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ ये दोनों करेक्ट है, तो हमारे पास फर्स्ट इसका रिलेशनशिप भी दिया था, फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, जेटा पोटेंशियल किस विषय से संबंधित है, द जेटा पोटेंशियल रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है अपने पास, निम्नलिखित में कौन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या Fe2+ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, ये कहता है द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन द फॉलोइंग। आपको पता होगा कि जो Fe होता है वो 26 होता है और उसका कॉन्फिगरेशन होता है d6 4s2, ये होता है Fe का। अब इसी तरह Fe2+ का हमारे पास हो गया 3d6 और इसके d इलेक्ट्रॉन कितने हैं, d इलेक्ट्रॉन देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। अब चेक कर लीजिए किसमें, बात करते हैं p इलेक्ट्रॉन इन नियोन, नियोन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है p6, तो भैया p के अंदर, p इलेक्ट्रॉन के अंदर 6 है। s इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अगर कॉन्फिगरेशन देखें तो 2s2 2p6 3s2, अगर पास क्या 1s2, सॉरी स्टार्ट करते हैं, अगर देखें इसका देखें तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 अपने पास होता है, तो इसमें बार टोटल का s इलेक्ट्रॉन में कितने, देखो s के अंदर s में 2 2 और 2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 हो गया। p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, क्लोरीन का अगर कॉन्फिगरेशन देखूं मैं तो क्या आ जाएगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो यहां पे क्या है p इलेक्ट्रॉन, इन p इलेक्ट्रॉन का 3 5 कहां है, देखो 6 यहां रहे, ये रहे 5, टोटल कितने हो गए अपने पास 11, तो ये हमारे पास नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी तक तो यही है d इलेक्ट्रॉन इन Fe, Fe के अंदर d इलेक्ट्रॉन 6 सही है, तो हमारे पास क्या हो गया थर्ड। देखो यहां पे गलती मत करना, यहां पे आपको पूछा s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, आप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं देखने हैं, टोटल s के इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। इसी तरह इसके अंदर p इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन में टोटल इसमें 5 है इसमें 6 है, क्लियर, ऐसे इसके एस के अंदर 2 2 और 2 6 है, एस के नहीं बोल रहा है, ये पी के इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन हो गया थर्ड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रेखीय अणु, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल लीनियर, साफ दिख रहा है बेटा इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन किसमें होगा, इसमें sp है, इसमें sp3 है, इसमें sp3 है, इसमें sp3 है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्पीसीज युग्म आबंध कोटि समान है, यानी बॉन्ड ऑर्डर किसका है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, चेक कर लीजिए भैया, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर 16 है, जबकि सेकंड की अगर बात करें तो हमारे पास हो गया 8 8 + 7 15 और 15 14 है, ये गलत, ये नहीं होगा, इसके अंदर देखिए तो 14 और 14 है, ये सेकंड है अपने पास ऑप्शन, इसमें 14 है, इसमें 17 क्वेश्चन, ये नहीं होगा, इसकी अगर बात करें तो 8 14 है, जबकि इसके अंदर अपने पास 15 है, तो ये नहीं होगा, तो हमारे पास क्या हो गया सेकंड ऑप्शन, बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका सेम आ गया अकॉर्डिंग टू MOT। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी हाइड्राइड है, एम्फियोटोरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है, बेरिलियम होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अपने पास एम्फियोटोरिक नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी स्पीसीज चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेटॉन होता है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोर मैग्नेट विल बी शो बाय वन अमंग द फॉलोइंग, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करें टाइटेनियम में, टाइटेनियम 4+ में है, तो इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ना आपको ये चेक करना है अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें 1 है, तो कोबाल्ट यहां पे है अपने पास 2+, जिसके कोबाल्ट 2+ जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, इसमें है कॉपर 2+ जिसके अंदर होते हैं 3d9, 9 का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, निकल है 2+ के अंदर d8 हो गया कॉन्फिगरेशन, और d8 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 3 होते हैं
फाइव कैलकुलेट करें हमारे पास, तो डी फाइव के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो सबसे 1 किस में है, थर्ड में, तो इसका बोर मैग्नेटोन कितना आएगा 1.73, तो आंसर हमारा थर्ड। नेक्स्ट है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटेट, EDTA आइन है, उसके लिए कहता है कि यूनिडेंटेड है, भैया नहीं होता, बाईडेंडेड है, ये भी नहीं होता, एंड डोनर नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होते हैं, ट्राईडेंडेड नहीं होता, ये हेक्साडेंडेड होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में रहते हैं। ये कहता है एथिलीन डाई एमीन, आपको पता है CH2 CH2 N, ये कहता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, अगर देखिए आपने पास यहाँ COO- 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 EDTA की स्ट्रक्चर आपको पता ही होगी, जिसमें क्या होता है 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन होते हैं, स्ट्रक्चर देखनी EDTA की, तो फोर्थ आंसर हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है स्तंभ फर्स्ट को उल्लेख सेकंड में मिलाए हैं, सही संकेत पद्धति देखिए, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम है बेटा, देखिए ध्यान रखिए, साइनामाइड प्रोसेस जो होता है वो हमारे पास किसके लिए आता है, गोल्ड के लिए यूज किया जाता है, फोर्थ फ्लोटेशन जिसके लिए आपके किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर के लिए लेते हैं, और सल्फाइड यहाँ क्या है, जिंक सल्फाइड है, तो हमारे पास हो गया जिंक सल्फाइड के लिए यूज करेंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा फोर्थ हो गया, जिंक सल्फाइड है तो ये सेकेंड हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हमेशा एल्यूमिनियम का करते हैं बेसिकली हमारे पास, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, तो थर्ड हो गया बेटा ये, और जोन रिफाइनिंग हमेशा गैलियम करते हैं, निकल का मॉन्ड प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं, तो निकल का नहीं होगा, तो हमारे पास फर्स्ट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है जलीय केमनोफोर की अभिक्रिया अम्लीय परिस्थितियों में H2O2 के साथ कराने पर देता है, रिएक्शन ऑफ एक्वस केमनोफोर, आपको पता है केमनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रॉन्ग, जबकि ये भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होता है, बट केमनोफोर के सामने ये यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट में ये केमनोफोर एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो H2O2 है वो O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है लेंथेनाइट संकुचन के कारण निम्न में से कौन सा तत्वों के युग्म परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती है, आपको पता होगा अगर मैं थर्ड ग्रुप की बात करें जिसमें होता है स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम, यहाँ तक तो बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंथेनम इट्रियम और लेंथेनम तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं बात करता हूँ वेनेडियम, जर्कोनियम और हैपनियम, यहाँ जाते हैं हमारे पास, ये थर्ड हो गया या फोर्थ ग्रुप हो गया, तो यहां से यहां जाने पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो लगभग इनकी क्या हो जाती है, जो एटॉमिक साइज है वो एप्रोक्स सेम हो जाती है, यानी जर्कोनियम और हैपनियम की क्या होती है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। नेक्स्ट है +1 ऑक्सीडेशन स्थायित्व, इस जो अपने 13 ग्रुप एलिमेंट है उनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसके अकॉर्डिंग देखें तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम फर्स्ट ऑप्शन होता है। ये कहता है स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज इन ए 13 ग्रुप ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। कहता है निम्नलिखित कौन सा कथन दिए गए अम्लों के लिए सही है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बेटा, करेक्ट के लिए पूछा है द फॉस्फोनिक एसिड इज ए मोनोप्रोटिक एंड वाइल फॉस्फोनिक यानी फॉस्फेनिक जो फर्स्ट होता है अपने पास फॉस्फेनिक जो होता है वो होता है H3PO2 जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है P, ये होता है, तो इसके अंदर ये क्या होता है मोनोप्रोटिक होता है, एक प्रोटॉन देगा, जबकि फॉस्फोनिक एसिड जो होता है हमारे पास फॉस्फोनिक जो होता है वो H3PO3 होता है, जो कि आपको पता ही है क्या होता है डाइप्रोटिक होता है, अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी देख लीजिए डाइप्रोटिक नहीं होता, ये मोनोप्रोटिक नहीं है, ट्राइप्रोटिक नहीं है और डाइप्रोटिक नहीं है, क्लियर, तो हमारे पास इसके फॉर्मूले याद है तो आप इजी गोइंग इसका निकाल सकते हो, देखो ये मोनोप्रोटिक है और इसकी बात करें हम तो ये अपने पास आता है डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक होता है। नेक्स्ट है दो कथन दिए गए हैं इनमें से एक वही बात है, देखिए ICl I2 से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी ICl इज मोर रिएक्टिव देन पॉलरी, इसमें पार्शियली आयनिक करेक्टर की वजह से क्या होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो आई जी बॉन्ड वीकर देन द, यानी ये स्टेटमेंट सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, फर्स्ट आंसर होता है हमारे पास। नेक्स्ट है
सोडियम मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम है। आपको पता होगा फर्स्ट जो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन सिलिकन फॉस्फोरस आगे चलते हैं, तो मूव द लेफ्ट टू राइट हम जनरली क्या कहते हैं, द आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। बट अगर यहाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें, मैग्नीशियम जो होता है उस मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन एस से निकलता है जबकि एल्यूमिनियम में पी से निकलता है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वल क्या हो जाएगा, पहले एल्यूमिनियम फिर मैग्नीशियम और फिर सिलिकन और फिर फॉस्फोरस। तो इस हिसाब से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन या क्रम देख लेना, सिक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है SO4 आयन में सल्फर का संकरण समान है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन इज, सल्फेट के अंदर आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए sp3, इसके अंदर आपके sp3d2 होगा, इसके अंदर आपके sp3d होगा, इसके अंदर आपके sp2 होगा, जबकि SO3 के अंदर होता है sp3, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है दिए गए खतरों के लिए टी एंड एफ, सत्य असत्य के लिए पूछा है बेटा कि ट्रू एंड फॉल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्थोबोरिक एसिड प्लेनर, आपको पता है ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है, H3, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 है जो प्लेनर होता है, ये ट्रू हो गया हमारे पास। द लेयर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्थोबोरिक कंसिस्ट इन BO3 यूनिट विच इज जॉइंट इन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से जॉइंट रहता है, ये भी हमारे पास ट्रू है। ये कह रहा है कि बोरिक एसिड इज ए मोनोप्रोटिक, हाँ ये मोनोप्रोटिक नहीं होता बेटा, ए प्रोटिक होता है ये, बोरिक एसिड वीक मोनोबेसिक होता है, ये करेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है जियोलाइट के लिए सत्य कथन चुनिए, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जियोलाइट, दे आर ऑल्सो नैनेज एलिमेंट, ये करेक्ट है हमारे पास, जियोलाइट आर यूज एज ए कैटलिस्ट इन ए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, हाँ ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं, गैसोलीन के अंदर एथेनॉल और गैसोलीन के लिए यूज किया जाता है। जियोलाइट यूज एट सॉफ्टनिंग ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, ना जी टेम्परेरी हार्डनेस के लिए इसको यूज नहीं करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास है, अरेंज द फॉलोइंग अमाइन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी, आपके पास अमाइन जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट है, बेसिसिटी के ऑर्डर में सेट है, आपको क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम जो परफेक्ट है वो बताना है। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन में देखता हूं, मेथिल अमाइन से एनिलीन, एनिलीन से मेथोक्सी वाला एनिलीन और नाइट्रो कंटेनिंग एनिलीन, इसको बेस्ट कहा, इसलिए ये रॉन्ग हो गया क्योंकि नाइट्रो एक विड्रोवर ग्रुप है और विड्रोवर ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता नहीं कम करता है, तो अगर मैं इन दोनों में कंपेरिजन करूं तो इसे पीछे आना चाहिए था, तो ओवरऑल ये फर्स्ट अपना आंसर नहीं होगा। सेकेंड में अपन कहें तो एनिलीन से मेथोक्सी पैरामेथोक्सी कंटेनिंग एनिलीन बेटर है, लेकिन पैरा नाइट्रो एनिलीन अच्छा नहीं है, इसको अपन कहें तो लास्ट पे जाना था, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड वाले में अपन कहें पैरा नाइट्रो एनिलीन से ओनली एलिनीन अच्छा है, क्योंकि ये यहाँ पे -m -i लगा के डेंसिटी कम करेगा NH2 पे, और यहाँ अपन कहें तो ये +m और +i लगा के इंक्रीज करेगा, तो नाइट्रो वाले से एनिलीन अच्छा, एनिलीन से पैरा मेथोक्सी वाला अच्छा, और यहाँ तो नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकेलाइज्ड रहेगा क्योंकि बाकी तीनों की कॉमन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोन पे रेजोनेंस करेगा, तो ओवरऑल ये थर्ड एकदम परफेक्ट जा रहा है, थर्ड आंसर रहेगा इसका। यहाँ भी अपन बोले तो यहाँ मिस्टेक होगी, नाइट्रो वाला पीछे जाना चाहिए था, तो ओवरऑल यहाँ पे आंसर क्या रहेगा इसका, 34 का थर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट मैच List 1 एंड List 2 आपके सामने, सूची 1 सूची 2 है, इनको अपन को मैचिंग कराना है। भाई ट्रोपोलोन कहूँ मैं अगर, तो ट्रोपोलोन 7 मेंबर रिंग वाला ऐसा सा मॉलिक्यूल है, ये है ट्रोपोलोन। अब ट्रोपोलोन कैसा है, ओपन चेन मॉलिक्यूल है, नहीं बेंजेनोइड एरोमेटिक है, नहीं सिस्टम में कोई बेंजीन नहीं है, नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक है बिल्कुल, ये जो सिस्टम है साइक्लिक रेजोनेंस शो कर रहा है, 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन का शो कर रहा है, एरोमेटिक भी है और विदाउट बेंजीन वाला है, तो नॉन बेंजेनोइड है, तो एक ही मैचिंग रहेगी किससे, 3 से, तो एक ही मैचिंग 3 से 3 से इन दोनों में है, इसका मतलब थर्ड फोर्थ हमारा आंसर नहीं होगा, पहली मैचिंग से ये कंफर्म हुआ। एसिडिक एसिड कहूं मैं तो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये एसिडिक एसिड है, ओपन चेन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, बेंजेनोइड एरोमेटिक, नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, तो भाई ये बाकी सब वेराइटी साइक्लिक की है, ओपन चेन मॉलिक्यूल है बिल्कुल ओपन चेन है, सैचुरेटेड है बिल्कुल, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड भी है, तो इसका मतलब बी की मैचिंग होगी 1 से, तो बी की मैचिंग होना 1 से, ये दोनों ही ऑप्शन में अभी सही चल रहा है।
अब थर्ड में चलो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, बेटा जी ये जो मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं हम फ्यूरेन, और ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, क्योंकि पाई बॉन्ड निकालोगे तो यहां पे एक्स्ट्रा एच ऐड करना होगा, जो इस सिस्टम में अपन कहें फ्यूरेन में 11H है, यहां पे 4H एक्स्ट्रा हो जाएंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, बेंजेनोइड एरोमेटिक, नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक, ओपन चेन, ये तीनों ही नहीं है, एलीसाइक्लिक है ये मॉलिक्यूल। तो एलीसाइक्लिक अपन कहें तो सी की मैचिंग फोर से होनी है, सी की मैचिंग फोर से होनी है, तो इसका मतलब ये लाइन क्लियर हो गई, तो आंसर यहां पे। अब आप आगे भी देखें तो नेफ्थलीन की मैचिंग बेंजेनोइड एरोमेटिक बिल्कुल ठीक है, ये भी सही कह रहा है, तो आंसर सेकंड इसका कंफर्म कर दो। नेक्स्ट देखें इसके बाद आइडेंटिफाई जेड द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इस फाइनल रिएक्शन का जो जेड प्रोडक्ट है ये अपने को देखना है। तो भैया अपन को दिया हुआ है ब्यूटोवनीन HBr परोक्साइड, एक फेमस रिएक्शन होती है खराश इफेक्ट परोक्साइड इफेक्ट, AmKrBr लगेगा, तो इस एल्कीन पे AmKrHBr ऐड होने का मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा, वन ब्रोमो ब्यूटेन। अब वन ब्रोमो ब्यूटेन पे इसकी रिएक्शन कराओ, ये एक फेमस रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इस एल्कोक्साइड ने अटैक करना है और Br को एज ए लिविंग ग्रुप रिमूव कर देना है। तो फाइनली ये फोर कार्बन की जो चेन है इस पे एथोक्सी का अटैक होने पे ऐसा प्रोडक्ट बनेगा एथोक्सी ब्यूटेन। तो क्या फर्स्ट वाला एथोक्सी ब्यूटेन है, बिल्कुल फर्स्ट वाला एथोक्सी ब्यूटेन है। सेकंड वाले में तो अपन कहें तो ये वाली चेन ही थ्री की कर दी इसलिए रॉन्ग है, ये वाली फाइव की कर दी तो यहाँ पे कार्बन फोर ही रहने, फाइव कैसे हो जाएंगे, और ये मेथोक्सी का अटैक भी नहीं इसलिए गलत है। ये अपन कहें तो ये एथोक्सी रहा लेकिन टू डिग्री पे, इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने में अगर अपन ये वाला Br यहाँ लगाए तो फिर बेटा जी परोक्साइड को देने का मीनिंग नहीं है, इसलिए फोर्थ भी नहीं जाएगा, आंसर क्या रहेगा वन। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन फॉर्म मेथेन, मेथेन फॉर्मेशन के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो भाई कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम अदरवाइज पोटेशियम सोल्ट की इंटरेक्शन है प्रोडक्ट बनाने का वे, ये जो सोडियम सोल्ट है ये इलेक्ट्रोलाइसिस में NaOH बनाता है, ये CO2 बनाता है, RR का कपल बनता है यहाँ पे। अब RR का कपल बनेगा तो मेथेन कैसे बना, मेथेन में हाफ हाफ कार्बन थोड़ी कंबाइन करोगे, तो कोल्बे इसका परफेक्ट ऑप्शन नहीं। ऐसे ही वुड्ज में भी यही प्रॉब्लम है, वुड्ज एक्चुअल में RX का सोडियम मेटल की प्रेजेंस में होने वाला कपलिंग प्रोसेस है, RR का कपल बनता है, इसका मतलब RR कपल बनता है तो फिर वही कोल्बे वाली प्रॉब्लम है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट, ये बेटा जी आपके पास सोडियम एसीटेट है, आप इसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हो सोडा लाइम में, CO2 जाने के बाद ये CH3H गेन करके मेथेन बनाएगा, बिल्कुल अपन को जो मेथेन चाहिए था ये मेथेन इसमें बनेगा, तो आंसर जो रहेगा वो कौन सा थर्ड, सोडियम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम प्रोपियोनेट। अगर मान लो यहां पे कार्बन एक और इंक्रीज कर लें, ये आपके पास हो गया सोडियम प्रोपियोनेट, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेथेन नहीं एथेन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैच लिस्ट वन एंड टू, सूची वन टू को सुमेलित कीजिए। तो देखो सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, वाटर के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सटेंशन या सिंपल डिस्टिलेशन, तो इसके लिए भी चलता है डिफरेंशियल एक्सटेंशन, तो ए की मैचिंग होगी टू से, इसका मतलब दो लाइन में ये दोनों आंसर कंफर्म है, नहीं होंगे, टू थ्री में से कुछ होगा। अब क्लोरोफॉर्म एनिलीन, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके लिए अपन सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, तो बी की मैचिंग थ्री से होना है, ये लो सब आंसर, ये वाली लाइन परफेक्ट जा रही है। क्रूड ऑयल के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ये आंसर इसका जो रहेगा वो कौन सा थर्ड। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम, थ्री एथिल टू हाइड्रोक्सी फोर मैथिल हेक्स थ्री इन फाइव आइन ओइक एसिड, तो देखो साहब आपके पास मॉलिक्यूल का नेम दिया हुआ है, नेम से अपने को स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करनी है, तो इसमें अगर अपन कहें तो हेक्स मॉलिक्यूल सिक्स कार्बन का होगा जिसमें डबल और ट्रिपल होगा, और ओइक एसिड उसका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, नेम का एंड में जाने पे उसका सफिक्स देख के रूट वर्ड देख के ये डिसाइड हुआ। तो देखो अगर मैं पहले ऑप्शन पे काम करूं तो ये वन ये टू ये थ्री, थ्री के बाद मैं सामने जाता हूं तो डबल मिलता है ट्रिपल नहीं, नीचे जाता हूं तो ट्रिपल मिलेगा डबल नहीं, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अपन को डबल ट्रिपल दोनों एक चेन में चाहिए। यही सेम प्रॉब्लम यहां आ रही है, थर्ड के बाद या तो डबल ले सकते हो चेन में या ट्रिपल, क्योंकि चेन में टी पॉइंट तो बनाना नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। यहां जाओगे वन टू थ्री, यहां भी वही वाली प्रॉब्लम है, ट्रिपल या डबल में से एक चूज करना होगा, तो कंफर्म हुआ आंसर यही है, क्यों है देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
तो 6 कार्बन का ये जो सिस्टम है तो हेक्स इसके लिए प्रॉपर आया। हेक्स में इन कहाँ है 3 पे, ये भी ठीक है। आइन कहाँ है 5 पे, ये भी ठीक है। और ओइक एसिड किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। और ब्रांच इसने बताई इथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल, बिल्कुल ऐसा है। इथाइल 3 पे है क्या, ये पूरा ग्रुप इथाइल ही तो है जो 3 नंबर पे है। हाइड्रोक्सी अपन कहें तो बिल्कुल 2 पे प्रेजेंट है, और मैथिल अपन कहें तो 4 पे है। अल्फाबेटिकली इनको मैनेज किया गया है तो आंसर 4 रहेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp। बाएं से दाएं sp2 sp2 sp sp संकरण दर्शाने वाला मॉलिक्यूल। तो देखो भाई यहाँ पे sp2 sp2 कहें तो ये जो पहला मॉलिक्यूल है ये सब डबल बॉन्डेड कार्बन है, चारों के चारों ही sp2 हैं। अपने को 2 लास्ट वाले sp चाहिए लेफ्ट टू राइट चलने पे, तो लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं आए तो यहाँ पे पहला sp3 हो गया, क्योंकि कोई कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो ये कार्बन कौन सा होगा sp3, डबल बॉन्ड वाला है तो इस केस में क्या होगा sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो ये क्या होगा sp2 सिग्मा होना, sp का साइन है, 3 सिग्मा होना sp2 का, और 4 सिग्मा होना sp3 का। तो यहाँ अगर मैं थर्ड ऑप्शन में देखूँ तो पहले दोनों डबल बॉन्डेड sp2 sp2, फिर आगे वाले sp sp, तो ये अपना फाइनल आंसर है, क्योंकि फोर्थ नंबर में चारों ही sp हैं तो थर्ड रहेगा इसमें। नेक्स्ट देखें, रिलेशन इन बिटवीन बेंजाइल एल्कोहल एंड ग्रिसोल। देखो बेटा बेंजाइल जो ग्रुप है वो ये होता है, बाई मिस्टेक अगर आप इसको बेंजाइल कहते हो तो ये अब अपडेट कर लें भाई, एग्जाम बिल्कुल पास है। आज दंगल है, महादंगल होने वाला है, तो इसको अपन बेंजाइल कहेंगे तो फंस जाएंगे। फिनाइल है ये बेटा, ये बेंजाइल है, बेंजाइल एल्कोहल। क्रिसोल अपन कहें तो इस इंडिविजुअल को आप टोलुइन कहते हैं, या फिर इस इंडिविजुअल को अपन फिनॉल कहते हैं, और फिनॉल के ऊपर CH3 आना, मतलब टोलुइन और फिनॉल ये दोनों मिक्सिंग एक ही रिंग पे होते हैं तो क्रिसोल। ऑर्थोमेटा पैरा 3 टाइप की क्रिसोल है, फॉर्मूला दोनों का सेम है बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, वो फिनोलिक ग्रुप है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये होमोमर है, चैन आइसोमर है, मेटामर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, तो इसके लिए आंसर रहेगा क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। हाँ जी, बाई विच रिएक्शन हेक्सेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 क्लोरोप्रोपेन। बेटा जी 1 क्लोरोप्रोपेन लेना है और टारगेट है हमारा उसका हेक्सेन में कन्वर्जन, मतलब एक्चुअल में हमें प्रोपिल क्लोराइड प्रोपिल क्लोराइड के दोनों प्रोपिल को का एक कपलिंग रिएक्शन करवानी है। तो क्या ये वुड्ज फिटिंग है, स्वाट है, फुड्ज है, फिनकेल्स्टिन है? तो भाई ये जो रिएक्शन है ये वुड्ज रिएक्शन, एक्चुअल में एल्किल हैलाइड RX का कपलिंग कराना, RR का कपल बनाना, ये वुड्ज रिएक्शन है। हाँ, वुड्ज फिटिंग कराते हो तो एक एरिल हैलाइड होना चाहिए, स्वाट तो एक्चुअल में फ्लोरो एल्केन बनाने का प्रोसेस है, फिनकेल्स्टिन आयोडो एल्केन का, हमें एल्केन बनाना है। तो स्वाट और फिनकेल्स्टिन तो हमारे ऑप्शन ही नहीं है। वुड्ज और वुड्ज फिटिंग अगर अपन कहें तो यहाँ पे यह नहीं, वुड्ज फिटिंग आएगा इसमें। तो ये दोनों जो नाम है ये किससे रिलेटेड है, ये एल्किल हैलाइड का कपलिंग है, वो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का, तो थर्ड ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। हाँ भाई यहाँ पे ध्यान देना, इनकरेक्ट रिएक्शन पूछी है। पहले वाले में देखें क्लोरो नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन है, और ये टेम्परेचर की रेंज आपको मालूम है, रिंग पे विड्रोवर हो, टेम्परेचर हाई हो, और वहाँ पे NaOH का ये Cl को रिप्लेस कर दिया ARSN से, तो कर सकते हैं अपन। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करें तो पैरा पे नाइट्रो जाता है, ये भी ठीक है। RX को RCN में कन्वर्ट किया KCN में, ये भी ठीक है। और अगर आपने ये एल्कीन को Br2 से हीट सनलाइट में रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे Br ऐड हुआ, गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है वो इस मॉलिक्यूल के इस एलाइलिक लोकेशन कैच को ब्रोमिनेशन कर सकता है। डबल बॉन्ड पे ब्रोमिनेशन करना है तो फिर सनलाइट क्यों लेना अपने को, तो इसलिए इनकरेक्ट कहा था। तो इनकरेक्ट रिएक्शन कौन सी होगी, फोर्थ। हाँ जी, एल्कोहल्स अंडरगोज डिहाइड्रेशन फ्रॉम एल्कीन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन प्रोसेस। एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनती है, कौन सा निर्जलीकरण प्रक्रम के लिए उपयोग में लिया जा सकता है? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड मोटिवेटर भी होता है, H+ देकर OH को अच्छा लिविंग ग्रुप भी बनाता है डिहाइड्रेशन में, और साथ में अपन कहें तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, कैटलिस्ट का काम भी करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, और उसका अल्टरनेट फॉस्फोरिक एसिड भी है। एलिमिना में भी ये प्रोसेस हो सकता है, बस रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो तीनों यूज हो सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसके लिए होगा जो तीनों को कवर करता है, थर्ड आएगा इसमें। हाँ जी, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड विद टर्शरी ब्रोमाइड गिव एक्सक्लूसिवली 2 मिथाइल प्रोपीन। भाई अगर आपके पास टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है
इसको आप रिएक्ट कराते हैं टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को सोडियम मेथॉक्साइड से। तो भाई ये सोडियम मेथॉक्साइड है, फेमस रिएक्शन है, विलियमसन का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कहता है कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा 2-methylpropene बनेगा, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो 2-methylpropene है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है, ये आया तो न्यूक्लियोफिलिक मूड से था, पर यहाँ क्राउड होने की वजह से इस बीटा एच को किडनैप किया, ये एच और ये बी आर यहाँ से रिलीज होगा, तो ये एल्कीन बनी मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि विलियमसन में 1 डिग्री लेते हो तो इथरमेन बनता है, 3 डिग्री लेते हो तो एल्कीन बनती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल, बिल्कुल ठीक बात है। एल्कोक्साइड नाभिक्स नहीं होते हैं अभी तो प्रबल क्षार भी होते हैं, बिल्कुल इसके लिए कहा जा रहा है। अब यहीं पे आपने यहाँ मोलिक्यूल लिया होता मैथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड, तो यही एल्कोक्सी अटैक करके ईथर भी बनाता, तो भाई इसका बिल्कुल करेक्ट लॉजिक भी बताया इसने बेस होने की वजह से एलिमिनेशन। तो यहाँ पे ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसलिए आंसर 1 देंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट, जी आर को डाई एल्किल कैडमियम में रिएक्ट कराया, तो क्या हुआ होगा एक्चुअल में, यहाँ पे जो ये कैडमियम क्लोराइड है इसके साथ अगर आप CH3MgCl को मिक्स करते हैं तो फाइनली ये 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, तो इनका रिजल्ट होगा डाइमेथिल कैडमियम। मतलब ये जो Cl है ये MgCl2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और ये जो CH3 है ये आ जाएगा इसके साथ, तो एक ऑर्गेनोमेटलिक Gr से एक ऑर्गेनोमेटलिक डाई एल्किल कैडमियम बन जाएगा। अब ये जो डाइएल्किल कैडमियम है ये यहाँ पे इस मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, Cl को रिलीज करेगा, CH3 एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तो यहाँ पे अपन कहें तो एथिल मेथिल कीटोन फॉर्म होगा, ये डाइमेथिल कीटोन है, ये एथिल एथिल कीटोन है, तो ये सेकंड जो दे रखा है एथिल मेथिल कीटोन, ये इसका फाइनल आंसर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास जो रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट बताना है, फेमस रिएजेंट है NaOCl हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में अपन कहें तो कोई कार्बोनिल अल्फा मिथाइल वाला चाहिए, देखो ये रहा कार्बोनिल अल्फा मिथाइल वाला, ये मिथाइल ग्रुप जो है ये मिथाइल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cl देख रहे हो तो क्लोरोफॉर्म में, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये एसिड में, तो पहला ऑप्शन परफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ कोई रिएक्ट ही नहीं कराया। सेकेंड वाले में देखो इसे एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया, साथ वाला को प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म दिखाया नहीं, यही आंसर है। थर्ड में इसे एस्टर बनाया, ये भी नहीं चलेगा, एल्डिहाइड बनाया, ये भी नहीं चलेगा, तो आंसर 2 रहेगा इसमें, क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन की रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन गिव बिलो वुड रिजल्ट इन 1 डिग्री अमाइन, नीचे दिए गए रूपांतरणों में से कितने का परिणाम 1 डिग्री अमाइन होगा। देखो सब जो रिएक्शन आपके सामने है ये फेमस रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करना चाहता है, पर इस रिएक्शन के नहीं होने का रीजन क्या है, इस क्लोरोबेंजीन में क्लोरो का बेंजीन से डबल बॉन्ड करेक्टर होना, तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पे करेगा नहीं कर पाएगा, तो प्राइमरी अमाइन आगे रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगी। बिल्कुल यहाँ जाए तो भी यही वाली बात है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करेक्टर है, इस पे जाए तो डबल बॉन्ड करेक्टर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब ये अटैक होता है गैब्रियल थैलेमाइड में तो एक SN2 पैटर्न की रिएक्शन है, एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल, तो 3 डिग्री पे भी वो अटैक नहीं कर पाता, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। फोर्थ में अपन कहें तो बिल्कुल अच्छे से पॉसिबल है ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करे और Cl को यहाँ से आउट करे, क्योंकि ये लोकेशन रिएक्टिविटी में हाई है। फोर्थ में वही प्रॉब्लम है जो फर्स्ट में है, चाहे क्लोरोबेंजीन ले लो या आयोडोबेंजीन ले लो, ये यहाँ पे रिएक्ट नहीं हो पाएगा। तो इन 4-5 रिएक्शन में से एक सिंगल ऐसा केस है, फोर्थ वाला ऐसा केस है जिसके अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि इस अटैक के बाद होगा क्या, अटैक के बाद आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये है, एन के ऊपर ये वाली जो एलाइल चेन है ये अटैच हो जाएगी, और इसको आप फर्दर एसिडिक अदरवाइज बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा थैलिक एसिड में, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनना है वो प्रोडक्ट ये वाला होगा एलाइलामाइन, बिल्कुल ये बनाएगा। तो हाउ मेनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, कितने ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा हुआ है, तो भाई 5 में से सिर्फ 1 में हुआ है, ओनली 2 में, ओनली 3 में, ओनली 4 में, ओनली 1 में, तो आंसर 2 इसके लिए ठीक रहेगा, ओनली 1 प्रोसेस ऐसा है जिसमें ये पॉसिबल है, तो ये आंसर 2 रहेगा इसमें। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग फॉर विटामिन, इट्स नेचर एंड इट्स डेफिशिएंसी डिजीज,
विटामिन बताना है, उसका नेचर बताना है, उसकी डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज बताना है। तो भाई अगर अपन बात करें वसा विलय, जल विलय, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, तो यहाँ विटामिन ए है, तो यहाँ पे भी ये विटामिन ए की बात हो रही है। तो देखो सब डब्ल्यू बी सी एक ट्रिक होती है, वाटर में सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, बी और सी। तो भाई ये जो बात कर रहा है वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल के बी और सी दो ही सोल्यूबल होते हैं, इसका मतलब ये वाटर सोल्यूबल और के इनकी तो मैचिंग ही नहीं है। एज यूजुअल अपन यहाँ पे कहें बाकी सारे फैट सोल्यूबल दिए हैं, तो फैट सोल्यूबल में अपन कहें तो यहाँ बाकी यहाँ अपन कहें ए और के बिल्कुल ठीक है, फैट सोल्यूबल होंगे, ए भी रहेगा के भी रहेगा, ये फैट सोल्यूबल हैं। अब इनकी डेफिशिएंसी डिजीज पे आ जाइए, के पे अपन कहें तो बेरी बेरी नहीं, ये तो बी से रिलेटेड है तो ये रॉन्ग हो गया। विटामिन ए से बेरी बेरी, ये भी रॉन्ग है, विटामिन ए फैट सोल्यूबल है और नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल ये परफेक्ट मैचिंग है थर्ड, क्योंकि ये दोनों नहीं, बेरी बेरी जो दिया ये तो इसलिए हटा क्योंकि सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट मैच नहीं कर रहा, ये बेरी बेरी जो डिजीज है ये बी से रिलेटेड है तो ये भी रॉन्ग हो गया, थर्ड रहेगा। हाँ जी, विच ऑफ द मोनोमर ऑफ नियोप्रिन इन द फॉलोइंग, नियोप्रिन एक आर्टिफिशियल रबड़ है अपन कहें तो लैब में बनाने वाला सिंथेटिक रबड़, उसके लिए जो मोनोमर होता है ये फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है 2-chloro-buta-1,3-diene इसका यूज करते हैं, बाकी इनमें ये तो आइसोप्रिन है नेचुरल रबड़ का मोनोमर, ये अपन कहें ये यूज होता है ब्यूनायन, ब्यूनाइस में एक कोपोलीमर है तो एक मोनोमर और लेते हैं उसमें, और ये अपन कहें तो इस पर्पज से यूज नहीं होगा। फाइनली अपने को जो नियोप्रिन का चाहिए वो कौन सा, फर्स्ट। बच्चों आज का पेपर हो गया, अब महादंगल के लिए बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करें, आज का पेपर नो डाउट अच्छा गया होगा और 7 तारीख वाला और भी अच्छा जाएगा, नो डाउट CLCN के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतने पेपर से आप गो थ्रू हुए हैं तो उसका पूरा प्रॉफिट पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा, आप पूरा सिस्टम से जुड़े रहे हैं। जय जय CLC, गुड लक, 7 को बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ, फिर मिलते हैं बच्चों।